कभी कभी आप बहुत लंबे समय कप्तान होते तो थोड़े जेडेड फील करते हैं, ये उनको मौका है कि थोड़ा सा फ्री अप हो, खुल के खेलें। किस तरह से उनका कैंपेन शुरू होता है ये काफ़ी मायने रखता है उनके बल्लेबाजी के ऊपर और उनके टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम प्लान फॉर आईपीएल 2024, एक खास स्पेशल बिल्डअप सीरीज जिसमें गेम प्लान पर आईपीएल 2024 के रिगार्डिंग हम बात करेंगे इनसाइडर्स से, वो लोग जिनको पता है स्ट्रैटेजीज कैसे बनती हैं, डगआउट्स में चर्चाएं क्या होती हैं। इस पूरे बिल्डअप में हम 6 एपिसोड्स लेकर आएंगे इस गेम प्लान के, जहां पर हर चीज पर चर्चा होगी, हर माइन्यूट डिटेल पर चर्चा होगी। मेरा नाम है तने तिवारी, आज मेरे साथ संजय बांगर, जिनको पता है डगआउट में चर्चाएं कैसी होती हैं, किस तरीके से बिल्डअप होता है। लेकिन संजय सर, उसके पहले बतौर फैंस, बतौर व्यूअर्स, हम जैसे ही आईपीएल का बिल्डअप शुरू होता है ना, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। ऑन द इनसाइड क्या उतनी बटरफ्लाइज होती हैं, उतना एक्साइटमेंट होता है? बिल्कुल, पूरी तरह से उतना ही एक एंटिसिपेशन होता है, और जब भी एंटिसिपेशन होता है या आप किसी चीज़ के लिए केयर करते हैं तो ऑब्वियसली वो बटरफ्लाइज होती है स्टमक्स में, वो आपको थोड़ा सा जागरूक करता है कि आपको शुरुआत अच्छी करनी है, आपको तैयारियां अच्छी करनी है। तो एक्साइटिंग फेज़ होता है ज़रूर जब आईपीएल शुरू होने वाला हो तो। संजय सर, ना सिर्फ आईपीएल 2023 में लेकिन अक्रॉस टी20 क्रिकेट, चाहे वो पीएसएल हो, सीपीएल हो, बीबीएल हो, टी20 इंटरनेशनल्स हो, पिछले साल में हमने देखा है चाहे वो बॉल्स पर बाउंड्री हो, 200 प्लस टोटल्स बनना और उनका चेज होना हो। एक्चुअली सैयद मुश्ताक अली में भी हमने देखा कि 30 से ज़्यादा 200 प्लस टोटल्स बने, 275 था हाईएस्ट टोटल, चैंपियंस पंजाब ने बनाया था आंध्रा के अगेंस्ट। इज दैट अ नॉर्म नाउ? पहले होता था 200 अनॉर्मली होती थी कि कभी कभी बनेंगे, फिर 200 बनने लग गए, फिर 200 चेज होने लग गए, ट्रेंड बन गया है अभी 200 इज नो मोर द होली ग्रेन? मुझे लगता है ये ट्रेंड बन रहा है, और भारत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो रूल्स चेंज कर रहे हैं वो एक ट्रेंड सेटिंग रूल्स चेंज कर रहे हैं। जिस तरह से इम्पैक्ट रूल जो चेंज किया वो बहुत ही एक बेहतरीन रूल था, जिसके कारण आपकी टीम के पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन आता है या फिर एक्स्ट्रा बॉलर आता है तो ज़रूर जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है, बेखौफ अंदाज में लड़के खेल रहे हैं, 7 नंबर के ऊपर आपका स्पेशलिस्ट बल्लेबाज होता है तो मैच कभी भी फिनिश नहीं होता है वहीं पर, क्योंकि आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स के भी विकल्प है तो रन बनाना इतना आसान है नहीं। तो 200 के ऊपर तो ज़रूर, वो अतिरिक्त बल्लेबाज की वजह से 200 के ऊपर स्कोर बन रहे, मगर ज़्यादा ऊपर स्कोर मैं नहीं बनते देखता हूँ, क्योंकि गेंदबाज भी वहाँ पर आपकी स्पेशलिस्ट है तो आसानी से रन बनने नहीं देंगे। आपने ना संजय सर मेरा सवाल प्रीएम्प्ट कर लिया, मैं यही पूछने आया था, मैंने 200 तो हो गया, अब क्या 250 बनते देखेंगे हम, क्योंकि 275 हमने देखे सैयद मुश्ताक अली में। लेकिन जैसा बोला संजय सर ने कि क्योंकि आपके पास एक अतिरिक्त गेंदबाज का भी विकल्प है, वो शायद रन बनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ और जो हमने देखी है बल्लेबाजों में, स्पेशली इन रीसेंट टाइम्स, टी20 के आने के बाद वो इनोवेटिव शॉट्स तो हम देख रहे थे लेकिन इक्का दुक्का बल्लेबाजों से, अब शायद इक्का दुक्का बल्लेबाज ऐसे हैं जो थोड़ा कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलते हैं, बाकी सारे बल्लेबाज रिस्क टेकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि पता चल गया है कि 180 जो पहले अच्छा स्कोर माना जाता था वो सेफ स्कोर है नहीं, वो आपको 200 के पार ही वो स्कोर लेके जाना पड़ेगा, और टीम सब ऐसे अपना कॉम्बिनेशन बिठाएंगी जहाँ पर जो एक जो विकेट प्रिजर्वर, जो मतलब अपना विकेट बचा के खेलता है, इनिंग को बांध के रखता है, ऐसे बल्लेबाजों का आज भी वैल्यू ज़रूर है, मगर वैसे ज़्यादा बल्लेबाज रखेंगे नहीं टीम, बल्लेबाज ऐसे प्लेयर्स चुनेंगे जो थोड़ा सा बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी हो, सिक्स हिटिंग एबिलिटी, और उनके साथ एक या दो ऐसे प्लेयर रखे तो 5 एक्सप्लोजिव बैट्समैन, 2 थोड़े से विकेट को प्रिजर्व करके अच्छा स्कोर चलाने वाले बैट्समैन, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसके कारण आप वो एक्सप्लोजिव बैटिंग की बात कर रहे हैं, आप वो स्किल लेवल की बात कर रहे हैं, आप वो माइंडसेट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है वो आपको दिखता है। एक और ट्रेंड जो चेंज सा हो रहा है संजय सर, आखिरी 5 में 50 नॉर्म सा बन गया था कि 5 ओवर में आखिरी 50 रन हैं अगर तो चेजिंग टीम अपने आप को बैक करती है, पिछले सीजन हमने देखा आखिरी 3 में 50 भी बन रहे थे, इज दैट ऑल्सो ट्रेंड? ट्रेंड बोल सकते हैं कुछ मैदानों में और कुछ सिचुएशंस में, क्योंकि अगर आपके पास विकेट्स हाथ में है, जैसे अगर आपके सिर्फ 3 ही आउट हुए हैं और क्योंकि आपको पता है कि जो 2 बल्लेबाज क्रीज के ऊपर है और उनके आने उनके बाद भी 2 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेके खेलेंगे, टारगेट करेंगे बॉलर्स को और बड़ा शॉट या बड़ा ओवर तब्दील करने की कोशिश करेंगे वहीं पर, या अगर वो 6 या 7 डाउन है तो फिर वैसे ट्रेंड देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके सामने स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। तो देखिए ऐसा हम कैटेगोरिकली बोल नहीं सकते कि एक ट्रेंड बन चुका है, मगर जिस तरह से इम्पैक्ट रूल का एक
इफेक्ट आ रहा है खेल के ऊपर और जिस तरह से गेम इवॉल्व हो रहा है तो ये बहुत ही रोमांचक बन रहा है और अंतिम गेंद तक आपको पता नहीं होता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आईपीएल जो क्रिकेट है T20 का फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट से भी काफ़ी मतलब बायलैटरल जो इंटरनेशनल होती है उससे भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि आपको पता नहीं होता आखिरी ओवर तक आखिरी बॉल तक कौन सी टीम जीतने वाली है। गलती की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन गुंजाइश शतकों की है थोड़ी सी। पिछले सीजन हमने बहुत सारे शतक देखे, 87 शतक लग चुके हैं अब तक आईपीएल में। आज मैं रिसर्च कर रहा था तो ये नंबर निकाला मैंने, 13 शतक इस सीजन लग जाएंगे, 100 शतकों का शतक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है मारेगा कौन, T20 वर्ल्ड कप का साल है, रोहित शर्मा विराट कोहली, प्रिडिक्शन क्या है आपका? देखिए विशलिस्ट में चारों ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने एक कारनामा करके दिखाया, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है और केएल राहुल है। ये सारे चारों इंडियन खिलाड़ी है और इंडियन खिलाड़ियों का दबदबा है, देखिए टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, सबसे ज्यादा बॉल खेलने की अपॉर्चुनिटी उनके पास मौजूद होती है। अगर 45 बॉल खेलने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ T20 क्रिकेट में ज़्यादातर ओपनिंग बैट्समैन या टॉप 3 बल्लेबाजों के पास ही होती है, तो उस लिहाज से देखेंगे तो ये चार खिलाड़ी जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो 13 के नंबर में जिसको आप ढूंढ रहे हैं, उसके अलावा डेविड वार्नर वो फ्रेश है, वो एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, तो इन 5 खिलाड़ियों के ऊपर आप वो नज़र रखिए जो आपको 100 के पार 100 का आंकड़ा पहुँचा सकते हैं। इनमें से 3 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो 250 सिक्सेस के करीब पहुंच रहे हैं, MS धोनी, विराट कोहली, डेविड वार्नर। इसमें तो प्रेडिक्शन देना पड़ेगा संजय सर, पहले कौन पहुंच रहा है 250 सिक्सेस? आप दोबारा से बोलिए, विराट कोहली, वार्नर, विराट कोहली, MS धोनी? मुझे लगता है डेविड वार्नर, क्योंकि ज्यादा बॉल उनको मिलेंगे, उनमें वो सिक्स हिटिंग की वो ढूंढते हैं हमेशा, MS धोनी के पास इतने बॉल होते नहीं है और हाल ही समय में वो काफी नीचे खेल रहे, साथ ही 8 पे आते हैं और विराट कोहली इनिंग की शुरुआत में सिक्सेस नहीं मारते, तो मुझे लगता है डेविड वार्नर पहले वो मकाम हासिल कर पाएंगे। प्रिडिक्शन की बात कर ही रहे हैं संजय सर, तो एक आखिरी सवाल ऑन प्रिडिक्शंस। लास्ट सीजन हमने देखा और हर सीजन होता है ऐसे, कई युवा खिलाड़ी उभर कर आते हैं, एक्सप्लोसिव स्टार्स बन जाते हैं, रिंकू सिंह एक थे पिछले सीजन और उसके बाद उनके करियर का ग्राफ हमने देखा। इस सीजन कोई अर्ली प्रिडिक्शन, कोई एक ऐसा खिलाड़ी? देखिए मैं कुछ नाम ऐसे बताना चाहूँगा जिनके साथ मैंने काम किया है, तो RCB की तरफ से सुयश प्रभुदेसाई है, वो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, उनके पास वो एबिलिटी है, और हमारी टीम से मतलब पंजाब की टीम से आशुतोष शर्मा है जो काफ़ी धुआंधार तरीके से खेलते हैं, फिर शशांक सिंह है और प्रभसिमरन तो आपने पिछले साल देख ही लिया, तो ये 3 काफ़ी आकर्षक बल्लेबाज है जो हमारी टीम का हिस्सा है और जिनको ज़रूर आप देख सकते हैं कि इस IPL में ज़रूर चकाचौंध कर लगा देंगे। और हमने देखा टीम्स ने अलग अलग तरीके डिवाइस करे इंपैक्ट प्लेयर्स को खिलाने के, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक ही और उनमें होता है बदलाव बहुत करते नहीं है, वो एक डेजिग्नेटेड ऐसा लगा कि अंबती रायडू बतौर इंपैक्ट प्लेयर ही खेलेंगे। पूरे टूर्नामेंट बहुत रन नहीं बने लेकिन फाइनल में आके वो एक बड़ा पुश दिया उन्होंने जिसकी ज़रूरत थी। डू यू सी देम स्टिकिंग टू इट और आपको लगता है वो फॉर्मूला क्रैक कर लिया चेन्नई सुपर किंग्स ने? सभी टीमें अपना अपना जो एक कॉम्बिनेशन होता है या कॉम्पोजिशन होता है तो वो ढूंढते हैं कि कहाँ फिट हो सकता है। अब अंबती रायडू वहाँ CSK के लिए फिट हुए पिछले साल क्योंकि वो ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं थे, फिर CSK के पास मौका था कि उनका टॉप ऑर्डर सेट था, वो कभी चेंज नहीं होने वाला था, लोअर ऑर्डर में भी उन्होंने अपना मन बना लिया था, तो फिर किसको सब्स्टिट्यूट करें, तो उस तरह से इस्तेमाल रायडू का हुआ। अन्य टीमों ने अलग तरीके से, जैसे पिछले साल RCB ने उस रूल का ऐसा फ़ायदा उठाया क्योंकि दिनेश कार्तिक जो बीमारी से जूझ रहे थे मगर फिर भी वो खेले, काफ़ी मैचेस खेले क्योंकि इम्पैक्ट सबका या रूल का वो फ़ायदा मिला था उसके तहत। हर्षल पटेल जो थे इंजर्ड थे उसके बाद सिर्फ उन्होंने गेंदबाजी की, तो सर्कमस्टांसिस के ऊपर बेस्ड होता है, कॉम्पोजिशन के ऊपर बेस्ड हो सकता है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है हर टीम की, तो हर टीम यही कोशिश करती है कि ऑप्टिमली उस रूल का इस्तेमाल करें अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन हमने बल्लेबाजों की बहुत बात कर ली, बल्लेबाज 200 रन से ज्यादा बना रहे हैं, शतक लगा रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर एक गेंदबाजों के लिए भी है, 2 बाउंसर्स अलाउड, नया रूल इस IPL 2024 से, 1 ओवर में 2 बाउंसर्स, वेलकम एडिशन। बढ़िया एडिशन क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बॉलर 2 बाउंसर डालेगा ही डालेगा, मगर क्या है एक एलिमेंट रहता है सरप्राइज एलिमेंट, वो अपना तीर बचा के रख सकता है। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास एक ही बाउंसर है तो आप ये सोचते थे कि मैं इसका इस्तेमाल कब करूं, किस बल्लेबाज के खिलाफ करूं, मगर आप आपको क्योंकि वो दूसरा बाउंसर आपके पास अवेलेबल है तो अर्ली ओवर के अर्ली में भी आप एक बाउंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि किसी बल्लेबाज के खिलाफ वो इस्तेमाल करना है, और फिर
चौथे पांचवें या छठे गेम के साथ गेंद के साथ भी आप फिनिश करते, छठे गेंद के साथ फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट बॉल जो है जब आप छोटे मैदानों के ऊपर खेल रहे तो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि बैट्समैन ऑलरेडी फ्रंट फुट पे चले जाता है और फ्रंट फुट पे अगर आपके पास शोल्डर हाई बॉल डालने वाले खिलाड़ी हो तो अक्सर वो एक विकेट टेकिंग बॉल बन जाता है। हमने देखा है अमूमन बहुत सारी ऐसी आईपीएल टीमें हैं जो अपने घर को अपना गढ़ बना लेती हैं, आरसीबी के साथ वैसा नहीं हुआ है। कैन यू डू यू सी दैट ट्रेंड चेंजिंग इस सीजन, जिस तरीके का गेंदबाजी अटैक है आरसीबी के पास, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं कठिन मुकाबले से चेन्नई के खिलाफ, चेन्नई में जहां भी बहुत नहीं खेला है उन्होंने रिसेंट टाइम्स में। देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हर टीम अपनी अपनी तरीके से अपने सोच विचार और जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं उस तरह से टीम्स बनाती है। तो आरसीबी के लिए भी उन्होंने पहले कोशिश करी थी कि एक बैटिंग हैवी यूनिट लिए, फिर पिछले कुछ सालों में उन्होंने कोशिश की थी कि एक बॉलिंग हैवी एक अच्छी यूनिट हो, और इस साल जो स्ट्रैटेजी अपनाई है तो दोबारा से मुझे लगता है कि कोई रिस्ट स्पिनर जो है उनके डोमेस्टिक रिस्ट स्पिनर्स है और ओवरसीज फास्ट बॉलर्स है और काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव बैट्समैन है, उस हिसाब से वो जा रहे हैं। तो क्या वो कॉम्बिनेशन खेलेंगे कि क्या वो तीन ओवरसीज बैट्समैन और एक ओवरसीज पेसर उस कॉम्बिनेशन के साथ मुझे जाते हुए दिखते हैं, तो कोशिश यही रहेगी उनकी कि होम एडवांटेज को अपनी तरफ खेले और कुछ विस्फोटक बल्लेबाजों की तरफ, मतलब जो आपके हमेशा के विराट है या फाफ है या कोहली है, उनके ऊपर दोबारा से वही अपेक्षाओं का बोझ होगा जो हर साल रहता है। अपेक्षाओं का बोझ गुजरात टाइटंस पर भी होगा, क्योंकि इस अंतराल में पिछले सीजन से इस सीजन रनर्स अप थे, यहाँ आ रहे हैं, बहुत कुछ खो दिया है, अपने कप्तान खो दिए हैं, हार्दिक पांड्या ऑफकोर्स वो चले गए हैं मुंबई इंडियंस, शुभमन गिल कप्तानी करेंगे। पहले तीन मुकाबले अगर आप देखें, सबसे पहला मुकाबला शुभमन गिल हार्दिक पांड्या टॉस पर खड़े होंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, उसके बाद दो मुकाबले और चेन्नई के विरुद्ध, चेन्नई में कभी आसान नहीं होता, और लखनऊ के विरुद्ध एक हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन वहां पर भी ट्रैवलिंग टीम्स के लिए आसान नहीं होता जाकर रन बनाना। कैसे देखते हैं आप ये इनिशियल फेज गुजरात टाइटंस के लिए? अब सारी टीमें इक्वली कॉम्पिटिटिव है और अगर आप टीम मतलब पॉइंट्स टेबल भी उठा के देख लें तो बहुत ही क्लोज फाइट होता है, मतलब आप प्लेऑफ में जा रहे या नहीं जा रहे इसमें सिर्फ एक मैच का फ़र्क होता है, तो ये कॉम्पिटिटिव लीग है, किसी टीम किस टीम के साथ उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि कुछ अन्य खिलाड़ी खेल रहे हैं इस साल, अपनी टीम की स्ट्रैटेजी अच्छी बनाई हुई हो, जो उनका एक वीक पॉइंट रहता है हर टीम का उसके ऊपर काम करके उन्होंने उसको और ताकतवर बनाने की कोशिश करी हो, तो ऑब्वियसली फ्रेश सीजन है, शुभमन गिल के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किस तरह से उनका कैंपेन शुरू होता है ये काफ़ी मायने रखता है उनके बल्लेबाजी के ऊपर और उनके टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर भी, वो काफ़ी दारोमदार होगा उस चीज़ का। मोमेंटम की भी बहुत बात करते हैं और हम आप सबसे ही सुनते आते हैं पूरे हर आईपीएल सीजन में, ये शब्द कहीं ना कहीं पहले दो चार पाँच गेम्स के बाद आ जाता है कि टीम मोमेंटम गेन कर रही है, एक टीम को मोमेंटम की ज़रूरत है। ऐसे में अगर चेन्नई सुपर किंग्स का शेड्यूल देखें, पहले दो मुकाबले आरसीबी और जीटी से अपने घर पर खेल रहे हैं, अपने घर पर दिल्ली कैपिटल से बिल्कुल उल्टा हिसाब है चेन्नई सुपर किंग्स का, एमएस धोनी कंडीशंस बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने प्लान्स उस तरीके से बनाते हैं, एडवांटेज उनके लिए क्योंकि उसके बाद फिर खेलेंगे डीसी और एसआरएच अवे गेम्स में। अब एडवांटेज है ज़रूर सीएसके के पास, क्योंकि वो एक आइडियल टेम्पलेट है सीएसके चेन्नई में खेलते वक्त, जहाँ पर उनके स्पिनर्स काफ़ी अच्छे इस्तेमाल करते हैं, वो ताकत है महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी की कि किस तरह से जडेजा हो, तीक्ष्णा हो, या फिर मोइन अली खेल रहे हैं या फिर सैंटनर खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैक्सिमाइज़ करना चाहेगी अपनी ताकत को और एक अच्छी शुरुआत करना पसंद करेगी, क्योंकि जब जब उन्होंने शुरुआत अच्छी करी है तो ज़रूर वो प्लेऑफ में पहुँची है, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। एक और टीम जो अच्छी शुरुआत के लिए नहीं जानी जाती लेकिन अच्छे अंजाम के लिए बहुत जानी जाती है मुंबई इंडियंस, संजय सर बहुत बदलाव हुए हैं मुंबई इंडियंस में, नए डायनामिक रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज खेलते हुए दिखेंगे, शुरुआत करेंगे गुजरात टाइटंस के विरुद्ध अहमदाबाद में, उसके बाद अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद, फिर डीसी आरआर, ये पहले चार मुकाबले कैसे देखते हैं पहले दो हफ्ते मुंबई इंडियंस के लिए? देखिए हार्दिक पांड्या को ज़्यादा मुझे नहीं लगता तकलीफ होगी कप्तानी का रोल लेने में और उसको अच्छी तरीके से करने में, क्योंकि उसी सिस्टम से वो निकले हैं, अभी इतना लंबा उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा है, T20 के ऊपर फोकस करते हैं, वाइट बॉल के ऊपर फोकस करते हैं, और उनको साथ देने वाले जो सपोर्ट स्टाफ है जैसे पोलार्ड है उनसे काफ़ी उनका एक अच्छा जेलिंग भी है, तो उम्मीद यही करते हैं कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में थोड़ा सा फ्री अप महसूस करें रोहित शर्मा अपने आप को, क्योंकि बहुत लंबे समय से कप्तानी कर रहे हैं, थोड़ा कभी कभी आप बहुत लंबे समय कप्तान होते तो थोड़े जेडेड फील करते हैं, ये उनको मौका है कि थोड़ा सा फ्री अप हो, खुल के खेलें,
और क्योंकि वर्ल्ड कप इसके बाद तुरंत है तो उसी अंदाज में खेलना पसंद करेंगे जिस अंदाज में वो भारतीय टीम के लिए खेल रहे पावर प्ले में। कितने सारे कॉन्टेक्स्ट है ना एक ही आईपीएल टूर्नामेंट में, विद इन अ टीम कॉन्टेक्स्ट्स हैं। फिर जैसा संजय सर ने कहा, आपको टी20 वर्ल्ड कप पर भी ध्यान रखना है, इसीलिए आपको आना पड़ेगा, गेम प्लान पर सुनना पड़ेगा हमारे एक्सपर्ट्स को, क्योंकि ये सारे कॉन्टेक्स्ट्स को एक साथ लाकर सारी एनालिसिस यही मिलेगी आपको। आज जितनी एनालिसिस मिलनी थी उतनी मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया संजय बांगर का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। जुड़े रहिए, एनालिसिस आप तक आएगी ऑन गेम प्लान फॉर आईपीएल 2024।